नमस्कार दोस्तों दोस्तों कैसे हो दोस्तों। आज मैं आपको ऐसी एक और सच्ची घटना बताने वाला हूँ जो आज से 15 साल मेरे साथ हुई थी। दोस्तों होता क्या कि हम पुराने घर में रहते थे, पुराने घर में, और मेरी उस टाइम उम्र भी काफ़ी छोटा था। तो दोस्तों होता क्या कि मेरे चाचा का लड़का और मैं, और हमने हमारे खेत थे जहाँ पर हमने खेत बीज रखे थे। तो दोस्तों होता क्या कि हम खेतों की मक्के की फसल होती है पहाड़ों में, और पहाड़ों में मक्के की फसल की हम क्या करते हैं कि उसकी रखवाली करते हैं कि उसको सुअर न खा जाए। तो दोस्तों होता क्या कि हम पहले तो वहाँ पर अपने सोने का अरेंजमेंट करते हैं खेत में, वो पेड़ के ऊपर बनाकर, और उसके बाद हम रात को जाते हैं। रात को कोई 10 बजे हम जाते हैं, और दोस्तों ये जगह ऐसी थी जहाँ पर एकदम शांत है और चारों तरफ जंगल है, और रास्ता भी काफ़ी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं, आप देख रहे हैं। तो अब हम चले जाते हैं वहाँ पर, और दोस्तों वहाँ जाते हैं, और होता क्या कि जैसे हम खेत में वहाँ जाकर हम थोड़ा आगे पीछे अपने खेतों में पत्थर पत्थर मारते हैं कि कोई जंगली जानवर ना हो। तो दोस्तों फिर हम 1 घंटा 1.5 घंटा 1 या 1.5 घंटे बातें करते हैं दोनों आपस में, और उसके बाद सो जाते हैं। तो दोस्तों कोई रात के 12:30 बजे का टाइम था, और होता क्या है कि सबसे पहले तो नाले के अंदर वहाँ पर जोर से आवाज़ आती है, ऐसे लगता है कोई लोहे का बर्तन या पीतल का बर्तन फेंकता है, जैसे टन ऐसे आती आवाज़ आती है, और ऐसे आवाज़ आती है और मैं डर जाता हूँ कि आवाज़ कैसी हुई है, किसने लोहे का बर्तन फेंका है। तो दोस्तों जंगल तो था और रात का टाइम था, और अब ऐसी आवाज़ आई है तो समझ लो कि वहाँ पर कोई चीज़ है, जैसे कोई भूत प्रेत है। और दोस्तों जिस जगह पर होता क्या है कि वहाँ पर पहले तो आवाज़ आती है और फिर लोहे की आवाज़ फेंकने की आवाज़, उस फिर दोस्तों ऐसा लगता है कि कोई घुंघरू बजा, छन छन की आवाज़ आती है। जब छन छन की आवाज़ आती है तो मेरा जो शक था बिल्कुल सही हो जाता है कि यहाँ पर कोई चुड़ैल वगैरह है, और वो अब वो आ गई है और वो डरा रही है। तो दोस्तों अब मैंने कंबल ओढ़ रखा है, और कंबल को मैंने मुंह के ऊपर ढक लिया, और मुंह के ऊपर ढक लिया, और हुआ क्या कि ऐसे लगा कि कोई चीज़ मेरे जहाँ पर मैं सोया था उसके पास से गुजर रही है, उस तन के पास से गुजर रही है, और मैं काफ़ी डर गया था। और मैं अपने जो चाचा का लड़का था उसको मैं बार बार उसको मैं हिला रहा था, तो उठा नहीं हुआ, उसको नींद पड़ गई थी, और मुझे नींद नहीं पड़ी। और फिर क्या होता है कि मैं उसको हिलाता हूँ तो वो चीज़ मेरे काफ़ी देर तक वहाँ आगे पीछे रहती है, और फिर वो थोड़ी देर के बाद चली जाती है। तो दोस्तों होता क्या है कि फिर मैंने सोचा कि चली गई वो, और फिर मेरी एकदम आँख लग जाती है। आँख लगने के बाद होता क्या है दोस्तों कि मैं कोई आधे घंटे के बाद क्या होता है कि वहाँ पर नाले के अंदर ढोल बाजे नगाड़े, और ऐसे लग रहा है कि कोई शादी हो रही है, और मैंने तो ऊपर मुंह के ऊपर कंबल ढक रखा था क्योंकि वहाँ 1 किलोमीटर नज़दीक किसी का घर नहीं है, और वो जगह ऐसी थी नाला था, पानी बहता है, और वहाँ पर काफ़ी लोगों से मैंने सुना भी था कि यहाँ पर जो बारात आती है रात को, भूत प्रेतों की बारात आती है, और कहते थे वो वहीं उसी कुएं से चलती थी। तो फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं अपने चेहरे से कंबल को हटाऊं, मैंने कंबल को और दबा लिया, और मैं और जो मेरे साथ में चाचा का लड़का सो रहा था उसको पता नहीं क्या हो गया था कि उसकी आँख ही न खुले। मैं उसको हिला रहा हूँ, उठ नहीं रहा है, कह रहा हूँ तो उठ नहीं रहा है। दोस्तों मुझे लगा कि
इसके ऊपर भूत प्रेत किसी चीज़ ने इसको वो कर दिया, जिससे क्योंकि ये चीज़ मेरे को सुनाई दे रही है और इसको पता नहीं चल रहा है। तो दोस्तों मैं काफ़ी डरा सहमा हुआ और काफ़ी देर तक इस चीज़ को बर्दाश्त करता रहा। क्या करता, और तो कोई चारा नहीं था मेरे पास। तो फिर मैं उसमें फिर लास्ट में दोस्तों होता है कि मेरे मुख से गायत्री मंत्र निकलता है। तो गायत्री मंत्र जैसे ओम भू भुवस्वातस्य वितुर्वण्यम भर्गो देवस्य धीमि धियो न प्रचोदयात्। तो दोस्तों जैसे ही मंत्र मेरे मुख से निकलता है और वो एकदम बंद हो जाता है और फिर मैं भी थोड़ा वो हो जाता हूँ कि चलो अब ये चीज़ चलेगी। और फिर दोस्तों मुझे नींद पड़ जाती है। फिर मैं अपने हम दोनों मैंने उसको सुबह पूछता हूँ भाई को, भाई तुझे रात को आवाज़ क्यों नहीं उठा, क्यों नहीं मैं तेरे को आवाज़ करा, मुझे पता नहीं भाई मैं तो सोया हुआ था। तो दोस्तों फिर हम अगले दिन गए। तो अगले दिन जैसे कि तो अब क्योंकि एक दिन तो ये बात होगी। तो दोस्तों अगले दिन जब हम गए तो अगले दिन सोए, मगर अगले दिन में ये था कि थोड़ा आगे पीछे हमने नीचे आग जलाई। आग जलाने के बाद हमने आगे पीछे देखा उसका थोड़ा छेड़छूड़ हुई। उसके बाद साथ में हम अपने साथ में दराती लगे कि कोई चीज़ ना आ जाए और हमें परेशान ना करे। तो दोस्तों फिर ऐसे हम रेगुलर जाते रहे, फिर हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। तो दोस्तों ये तो थी मेरे साथ जो पहली घटना घटित हुई थी, क्योंकि ये उस बड़ी छोटी उम्र थी। और दोस्तों की मैं जो भी बताता हूँ बिल्कुल सच बताता हूँ जो मेरे साथ हुई, मुझे कहानी बना बना कर बताने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने जितनी भी स्टोरी लिखी है ये बिल्कुल ओरिजिनल है और लोगों के साथ हुई है और जिन लोगों के साथ हुई है तो वो भी मेरे साथ अभी भी हैं, उनसे ही पूछ सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को जो सब्सक्राइब करना। दोस्तों आज मैं एक और आपको सच्ची घटना बताने वाला हूँ। ये जो घटना है ये दोस्तों बहुत ही काफ़ी, ये मैंने इस चीज़ को ही मैंने अपनी आंखों से खुद देखा था। तो दोस्तों कहते हैं ना, जो लोग कहते हैं भगवान नहीं होता है, ये घटना उस पर आधारित है। क्योंकि ज़्यादातर लोग कहते हैं कि ये नहीं होता वो नहीं होता है, दोस्तों होता सब कुछ है, मानने वाली बात होती है। तो दोस्तों मेरी उम्र जो थी काफ़ी कोई छठी सातवीं में पढ़ता था, और होता क्या कि मैं भी अपने कमरे में सोया होता हूँ, साथ में मेरे तीन भाई और सोए होते थे। और दोस्तों होता क्या कि रात को कोई 12:30 बजे मुझे बाथरूम लगता है। दोस्तों गांव देहात की बात होती है कि वहाँ पर बाथरूम नहीं होते हैं, तो इसलिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है, साथ में जैसे थोड़ा साइड में होते हैं तो वहाँ पर जाना पड़ता है। तो हुआ क्या कि मैं जैसे ही रात को उठता हूँ, रात को 12:30 बजे का टाइम था, और मैं जैसे उठा और दोस्तों हुआ क्या कि मेरे घर के सामने बिल्कुल बाबा बालकनाथ जी का मंदिर है राइट हैंड पर, और मैं दोस्तों और लेफ्ट हैंड पर क्या कि वहाँ पर बैठने के लिए बनाया गया था, प्रौढ़ी कहते हैं, कच्ची मिट्टी की बनाते थे पहले, आटे जैसे बनाते हैं ना, पैड़ी बनाते हैं ऐसे बनाते थे। तो वहाँ पर ऐसे लगा कि मुझे वहाँ पर कोई जैसे भोलेनाथ बैठे और उन्होंने पूरे शरीर पर भस्म लगा रखी है, साथ में हाथ में त्रिशूल है और वो ऐसे आँखें बंद कर रखी हैं। और दोस्तों मैं एकदम देखता हूँ उस चीज़ को, मैं घबरा जाता हूँ और घबरा कर मैं डर के मारे एकदम दरवाज़ा बंद कर देता हूँ। फिर मैं कोई एक दो मिनट सोचता हूँ और फिर मेरे मन के अंदर हिम्मत होती है कि मैं देखूँ तो सही क्या चीज़ है। और दोस्तों जैसे मैं फिर खोलता हूँ तो वहाँ पर देखता हूँ कि वहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। तो
तो दोस्तों ये जो घटना थी, ये मैंने भोलेनाथ जी के दर्शन किए थे और मैंने फिर सवेरे अपनी मम्मी पापा को बताया था। उन्होंने कहा कि किसी को बताते नहीं हैं। तो साथ में दोस्तों कि ये ऐसी घटना थी जिससे मुझे ये हो गया कि जिंदगी, कहते थे कि लोग कहते भगवान नहीं होते हैं। दोस्तों अगर आपकी मन के अंदर आस्था है तो आप भगवान के किसी भी चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये आपको मेरी जो सच्ची घटनाएं अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को जो सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।